स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे रेडियो चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास आया है TVS RTR बाइक जो है 160 cc, और इस बाइक में सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो रिले भी नया लगा लिया है, बट सेल्फ काम क्यों नहीं कर रहा है मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नॉलेज मिले और आप लोग अच्छी तरह से काम करें। तो मैकेनिक भाइयों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, TVS Apache RTR बाइक में सेल्फ स्टार्ट ना लेने का कारण क्या है। सेल्फ की जितना भी वायरिंग है आपको बताऊंगा, और 100% आप लोग सेल्फ स्टार्ट, अगर आपके आपके शॉप पे भी कोई बाइक आते हैं तो और सेल्फ स्टार्ट काम नहीं करता है, तो मेरा अगर वीडियो आप लोग देख लेते हो या डाउनलोड कर लेते हो तो आप लोगों को 100% पता चलेगा जो सेल्फ स्टार्ट की लाइन क्या है। सेल्फ स्टार्ट अगर ना ले तो हम लोग क्या क्या चीज़ चेक करें। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर दें बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं, हेडलाइट का इस जगह को खोल लिया है, और यहाँ देखिए कितना वायर कटा हुआ है। ये जितना भी वायर कटा हुआ है ना, हमको इस पर मतलब नहीं है, सिर्फ हमको देखना है जो इस बाइक में सेल दबाने के बाद हम लोगों का 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं, और नीडल से बॉडी अर्थिंग, और क्लच दबाने से गियर में रहे तो भी अर्थिंग चेकअप करना है। तो चलिए हम सबसे पहले चेकअप करते हैं, इस जगह पर, क्योंकि मुझे पता चलेगा जो इस जगह पर मुझे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मल्टीमीटर दीजिए। तो गाइस, ये जो ब्लैक में जो हम लोगों का सफ़ेद कलर की तार है, ये हम लोगों का जैसे कि बॉडी अर्थिंग है, ठीक है। और ये जो वायर दिख रहा है हरा कलर में रेड, ये हम लोगों का क्लच दबाने से गियर पर ग्राउंड आएगा। अब इस दोनों वायर में हम चेकअप करते हैं वोल्ट आते हैं कि नहीं। जो यहाँ आप लोगों को जो थोड़ा नील कलर दिख रहा है, जो सॉरी है कि नहीं, तो चलो एक वायर को हम अटैच कर लेते हैं, बैटरी का ग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। अब हम चेकअप करेंगे, चलो सेल्फ दबाओ। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखो दोस्तों यहाँ स्विच सेल दबा रहा है और हमारा वोल्टेज बराबर 100% आ रही है। इसका मतलब हम लोगों का वोल्टेज बराबर आ रही है। अब हम चेकअप करेंगे न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग आ रही है कि नहीं, तो यहाँ से हम लोग बॉडी अर्थिंग नहीं लेंगे। तो चलो इसको लगा दिया, और एक वायर को हम अटैच करेंगे जैसे कि इस जगह पर। चलिए हमारी आ रही है, रुको, दबा के रखो, छोड़ो दबाओ। तो आपको बता देते हैं जो किस तरह से हम लोग सेल्फ का सिस्टम को चेक करें ये बगैर जो फ्लासर से। तो दो वायर लाइए, हम अभी चेकअप करते हैं। ये जो चीज़ है हमने इसको बात दे दिया कनेक्शन, और ये वायर जो इसमें हम लोगों का है, और ये वायर ये जो है, और ये जो बैटरी का टर्मिनल है ये लगा हुआ है और सेल्फ में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़िए और ग्राउंड देंगे। अगर हमारा सेल्फ और रिले ये सही है तो काम ठीक से करेगा मेरे हिसाब से। तो चलो हम टेस्टिंग करते हैं, बाइक को न्यूट्रल करो यार। देखो हमारा सेल्फ स्टार्ट हो गया, बाइक बंद करो। अब आपको दिखाते हैं इस जगह से हम लोग सेल्फ इस स्विच से काम कर रहा है कि नहीं। तो चलो एक वायर हम अटैच करते हैं जैसे कि इस वायर पे, ब्लैक वाला वायर पे, और ये वायर हम अटैच करेंगे जो सेल्फ से हम लोग 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है उससे चेकअप करेंगे। तो चलो इससे हम लगा दिया, और बाइक का सेल्फ मारो, चाबी ऑन करो, चेकअप करेंगे जो इस ब्लू कलर में हम लोगों का न्यूट्रल की लाइन आ रही है कि नहीं। इसमें बहुत ही कचरा है, न्यूट्रल से नहीं आएगा तो भी बाइक सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। तो चलो मल्टीमीटर से हम चेकअप कर लेते हैं जो हम लोगों का न्यूट्रल ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं। तो गाइस यहाँ न्यूट्रल ग्राउंड नहीं मिल रहा है, बाइक न्यूट्रल पर है, ठीक है, न्यूट्रल ग्राउंड नहीं मिल रहा है। तो चलो हम इसे खोलते हैं क्या आपको, और आपको दिखाते हैं जो इसके अंदर क्या हुआ है, जो न्यूट्रल की ग्राउंड नहीं आ रही है। अगर यहाँ ख़राब होगा तो हम लोगों का न्यूट्रल लाइट भी नहीं जलेगा, तो चलो, और सेल भी स्टार्ट नहीं होगा। तो चलो इसे हम खोलते हैं,
खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा। जो इसके अंदर पत्तियाँ होता है, कभी कभी पत्ती टूट जाता है और बैंड हो जाता है, उसका कारण हम लोगों का न्यूडल काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए हम लोगों का न्यूडल पत्ती है और यहाँ हम लोगों का कनेक्शन जो है, कनेक्शन है ठीक है, तो इस जगह से कनेक्शन नहीं ले रहा है तो हमको थोड़ा पत्ती को बैंड करना पड़ेगा। देखो पत्ती ठीक से अटैच नहीं हो पा रहा है, तो इस पत्ती को थोड़ा हम इसे बैंड करेंगे ठीक है। तो बैंड कर दिया, अब हम इसे कनेक्शन करेंगे। चलो कनेक्शन लगाते हैं, पहले हम चेकअप करेंगे जो ये हम लोगों का कनेक्शन सही है या ख़राब है। तो चलो एक वायर इसको अटैच करते हैं और एक वायर इसको अटैच करते हैं। तो हमारा मल्टीमीटर शो कर रहा है, देखो मल्टीमीटर शो कर रहा है, तो ये हमारा कैप भी ठीक है। तो चलो इसे हम लोग अटैच करते हैं और लगाते हैं। इसको कनेक्शन को ठीक किया चाप के, अब मल्टीमीटर में हम देखते हैं जो न्यूडल की पोजीशन ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं। तभी बाइक फिलहाल हमारा न्यूट्रल पोजीशन में है देखो, और हम यहाँ बॉडी करेंगे और इंजन का साथ संपर्क करेंगे। तो मल्टीमीटर में देखो, मल्टीमीटर में हमारा एकदम 100% आ रही है। अब इस वायर चले जाते हैं जो सेल्फ का रिले है, यहाँ देखिए थोड़ा इसमें ब्लू कलर की वायर है, ये चल जाएगा सेल्फ का रिले पर, वहाँ हम चेकअप करेंगे जो न्यूडल से बॉडी अर्थिंग जा रही है कि नहीं। तो चलो इसे हम अटैच कर दिया, क्योंकि मेरा ख़राबी यहाँ था। अब हम चेकअप करते हैं बाइक का सेल्फ जो वहाँ जाके, वोल्ट चेकअप करेंगे और न्यूट्रल की लाइट। तो चलो मल्टीमीटर से लगाते हैं। तो यहाँ देखिए दो वायर जो है, थोड़ा कपड़ा दीजिए, इस कलर को दिखाना है, जो ब्लू कलर में ब्लैक है इसमें 12 वोल्ट आएगा और ये सिर्फ ब्लू है, ये हम लोगों का न्यूट्रल लाइट है, न्यूट्रल की ग्राउंड आएगा। तो हम सबसे पहले चेकअप करेंगे जो वोल्ट की जगह में वोल्ट और न्यूट्रल की जगह में बॉडी अर्थिंग आ रही है कि नहीं। तो न्यूट्रल पे हम लगाएंगे जैसे कि माइनस कनेक्शन को, और हम इसमें वोल्ट चेकअप करेंगे। चलो सेल्फ का स्विच दबाओ, सभी ऑन करके, हाँ अब दबाओ। अब यहाँ देखिए टीप के दबा के रखो, देखो 12 वोल्ट 100% आ गया है। और बाइक गियर में दो, देखो यहाँ ग्राउंड छोड़ दिया है ठीक है, तो नहीं मिल रहा है, वोल्ट भी नहीं मिल रहा है। चलो बाइक को न्यूट्रल करो। अब करते हैं जो हम लोगों का ये जो हम लोगों का फ्लासर है, ये सही है ख़राब है? मुझे तो पहले डाउट हुआ था ख़राब था, क्योंकि मैंने एक चीज़ चेकअप नहीं किया था, जो जैसे कि न्यूट्रल का बॉडी अर्थिंग, तो बॉडी अर्थिंग मैंने ठीक कर दिया है। अब अगर ये रिले अगर अच्छा रहा है तो बाइक सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। चलो बस ठीक है। तो गाइस दबाओ सेल्फ स्टार्ट, दो डिस्टर्ब कर रहा है, रुको 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 रुको, कहीं तो लूज कर रहा है, मारो। यहाँ भी फोल्ड था जो मेन वोल्ट है, क्योंकि इस जगह पर भी अगर वोल्ट ना रहे तो भी हम लोगों का दिक्कत है। अगर मेन वोल्ट का जो वायर है मोटी वायर है, और कहीं अगर शॉर्ट करे और लूज करे तो भी दिक्कत होता है। तो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, और न्यूट्रल का जो पत्तियाँ था वो भी गलत था, अब न्यूट्रल भी आ रही है और सब आ रही है। अब सवाल है बाइक अभी न्यूट्रल पर बाइक स्टार्ट होगा ठीक है। देखो हो रहा है। अब एक चीज़ जो है, जो क्लास स्विच हमारा ख़राब है, अब क्लास स्विच को न्यू डालेंगे और बाइक गियर में भी स्टार्ट होगा। तो गाइस आप लोगों को बताया TVS Apache RTR बाइक का जो 160cc वाला मॉडल है, उसमें सेल्फ स्टार्ट का सिस्टम अलग है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका कारण जो कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, जो न्यूट्रल में जो गियर पर बाइक रहे तो क्लास दबाने से न्यूट्रल का लाइट जलता है, तो उसका सिस्टम भी यहाँ पर है। वो जो हम लोगों का फ्लासर है उसका काम भी ये करता है। तो हम लोगों का जो ये कपलर है, इसमें हम लोगों का एक वोल्ट आएगा सेल्फ दबाने से, न्यूट्रल से बॉडी अर्थिंग आएगा। और अगर बाइक गियर पे ना रहे, सॉरी न्यूट्रल पर अगर बाइक ना रहे तो गियर पर अगर रहे तो क्लच दबाने से बॉडी अर्थिंग आएगा। तो एक सेल्फ का जो रिले है, यहाँ देखिए 4 वायर है, एक वायर बैटरी से आती है और एक वायर सेल्फ पे जाते हैं, और बाकी जो 2 वायर रहा तो हम लोग चेकअप कर सकते हैं, एक वोल्ट देके और बॉडी अर्थिंग देके। अगर हमारा सेल्फ रिले ठीक रहे तो काम करेगा, और ये चीज़ अगर ख़राब हो जाता है तो भी हम लोगों का दिक्कत होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो मैंने चेकअप कर लिया, यहाँ पर देखे जो वोल्ट
और बॉडी अर्थिंग सही आ रहा है, हमारा रिले सही है। कुछ प्रॉब्लम था जो बैटरी का, और जैसे कि न्यूट्रल पर, तो बाइक अभी स्टार्ट हो गया, देखो एकदम। तो आप लोगों को बताया सेल्फ रिलेटिव जो TVS Apache RTR बाइक में किस तरह से रनिंग करे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहते हो और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू।